पुलवामा पे जब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को, खबर आई किसी को, 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है। बिहार में सांप्रदायिकता की जहर फैलाने के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी जमीन की इस्तेमाल की जाएगी तो वो जमीन किशनगढ़ की जमीन है। पुलवामा हमले के पीछे एक साजिश है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को यह सूचित करना चाहता हूं कि शहीद पिंटू सिंह के घर जाना ये हमारी कोई सियासत नहीं है। शहीद पिंटू सिंह का घर बेगूसराय जिले में है, मैं भी बेगूसराय जिला का रहने वाला हूं, इस लिहाज से हम दोनों भाई हैं और एक भाई अपने शहीद भाई के घर, उनके माता पिता, भाई, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके ग्रामीण, उनके दोस्त से मिलने गया था। इसमें कोई सियासत या राजनीति नहीं है। और तब यह बात और जरूरी हो जाती है जब मैंने खुद अपने परिवार से एक भाई जो सीआरपीएफ की नौकरी करते थे इसी तरह के एक हमले में खोया है, इसलिए हम जानते हैं कि शहीद होने का दर्द क्या होता है। और जो लोग अपनों को खोते हैं उन माओं की आंखों में आप देखिए, बिलखते बच्चों को देखिए, उनकी पत्नी की तकलीफ को महसूस करने की कोशिश कीजिए, उन दोस्तों से मिलिए जिन्होंने अपने दोस्त को खोया है, और यकीन मानिए आप युद्ध की नहीं शांति की बात करना शुरू कर देंगे। यह बात मैं आपको कहना चाहता हूं। नाखून कटाकर शहीद में नाम लिखवाने वाले जो लोग हैं उनको गर्दन कटाने का दर्द मालूम नहीं है। अंग्रेजों से माफी मांगने वाले जो लोग हैं उनको फांसी पर झूलने वाले भगत सिंह की विचारधारा के बारे में मालूम नहीं है। जो सावरकर की राह पे चलने वाले लोग हैं वो अंबेडकर की बातों को समझ नहीं पाते हैं। जिन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां की दोस्ती नहीं जानी वही इस देश में हिंदू और मुसलमान करते हैं। दोस्तों ये बहुत गंभीर समय है और इस गंभीर समय में किसी भी तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी हमारा एक साथी आवेश में आकर यह कहने की कोशिश कर रहा था कि पुलवामा हमले के पीछे एक साजिश है। यह बात सच है कि एक साजिश है। साजिश है इस देश के लोगों को आपस में बांट देने की, एक साजिश है इस देश के नौजवानों को नफरत और उन्माद की आग में जला देने की, एक साजिश है इस देश के आम लोगों को डराने की, एक साजिश है अपनी नाकामी छुपाने की और सेना की कामयाबी को अपनी कामयाबी बताने की, एक साजिश है कि इस देश के 130 करोड़ लोगों के सवालों को कैसे गुमराह कर दिया जाए, एक साजिश है कि जो बात आज से 5 साल पहले कही गई थी उन बातों को कैसे भुला दिया जाए, एक साजिश है कि लोग ये भूल जाएं जिस पत्रकार ने 2000 के नोट में चीप निकाला था वही पत्रकार बड़ी बेशर्मी से आकर के कह रहा था
कि नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई। तो जब नोटबंदी के बाद आतंकवाद की कमर टूट गई तो ये आतंकवादी कौन हैं, किसके द्वारा भेजे गए हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा और सोचिएगा कि कैसे पूरी की पूरी बहस को शुरू कहीं और से किया जाता है और आखिर में लाया जाता है चुनावी राजनीति पर। कैसे पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते कहते मुसलमान मुर्दाबाद बोलना शुरू कर देते हैं। इस साजिश को समझिएगा, इस साजिश को समझिएगा कि राम और रहीम की दोस्ती की बात करने वाले लोगों को कैसे सेना विरोधी और देश विरोधी साबित किया जाता है। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और आप तय करके हमको बताइए कि इसमें गलती किसकी है। दो लड़का एक फील्ड में लड़ रहा था, एक का नाम राम और दूसरे का रहीम था। राम के घर वाले आए और कहे कि झगड़ा क्यों करते हो, तो राम ने कहा कि आप रहीम का पक्ष लेते हो। रहीम के घर वाले आए और कहा कि आपस में क्यों लड़ते हो, तो रहीम ने कहा कि आप राम का पक्ष लेते हो। इस देश में यदि कोई शांति की बात कर रहा है तो वो पाकिस्तान परस्त कैसे हो गया। इस देश में यदि कोई कह रहा है कि सेना के नाम पर राजनीति मत कीजिए तो वो सेना विरोधी कैसे हो गया। इस देश में यदि कोई कह रहा है कि नफरत की उन्माद से मानव सभ्यता जल जाएगी, मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो वो मुसलमान परस्त कैसे हो गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये साजिश रची कैसे गई है। और ये साजिश ऐसे रची गई है कि प्रधानमंत्री कहते हैं जो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं, और उस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल का एक मंत्री कहता है कि जो भाजपा की रैली में नहीं जाएगा वो देश विरोधी है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इनका एजेंडा ये है कि यदि आप अपने घर के ऊपर कल को भाजपा का झंडा नहीं लगाएंगे तो ये आपको देश विरोधी कह देंगे। तो इनको मैं किशनगंज की धरती से, बिहार की भूमि से ये आगाह कर देना चाहता हूं कि ये धरती गंगा जमुनी तहजीब की धरती है, तुम्हारी हर साजिश को नाकाम करेंगे और तुमको बताएंगे कि ये फेकू प्रधानमंत्री, तुम्हारा फेंकने का वक्त खत्म होने वाला है। एक महीना बचा है, जितना चभड़ चभड़ करना है कर लो, तुम्हारा वक्त जाने वाला है, तब इस देश का अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, बुरे दिन जाने वाले। 5 साल का टॉक टाइम था, देश छोड़ करके विदेश में भी घूम घूम के बकर बकर कर लिए, अब आपकी बकैती आपको मुबारक। ऐसा बकैत प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए, और बकैती की भी अपनी सीमा होती है। जी भैया, कल मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था तो जिग्नेश हमको बोला कि इतना सब्र कहां से लाते हो। हम बोले कि ये सब्र तो देश की जनता का वरदान है ना, वोट दे करके 5 साल के लिए ऐसा प्रधानमंत्री चुन लिए हैं, तो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा प्रधानमंत्री है। तो सुनना तो पड़ेगा कि आखिर फेंका क्या, लपेटा क्या, ये जानना तो पड़ेगा। तो कल उनका भाषण हम सुन रहे थे तो पहली बार जो उनका वीडियो लेने वाला था थोड़ा अनमना ढंग से वीडियो ले रहा था। क्या पता
चाचा की तरह उनके खाते में भी 15 लाख रुपया नहीं पहुंचा है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री ऐसे बोलते हैं कि आपको लगेगा कि वो अपने मन से बोल रहे हैं, वो मंच से बोलते हैं, मन से नहीं बोलते हैं, देख करके बोलते हैं। और कैसे देख करके बोलते हैं, तो उनके आगे में एक स्क्रीन लगा होता है दोनों तरफ। अब बगुला की तरह जो गर्दन हिलाते हैं वो उनका स्टाइल नहीं है, वो इस स्क्रीन से उस स्क्रीन में देख देख के पढ़ करके बोलते हैं। तो वीडियो में दिख रहा था, तो पढ़ते पढ़ते जो है तुतला रहे थे। और कुछ दिन पहले तुतलाने वालों पे ये मजाक उड़ा रहे थे। कितना बेहतरीन चीज है इसको समझिए। कहते हैं ना, मत बिगाड़ो बिगड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, बबूल के पेड़ में आम नहीं निकल सकता है। तो जो दूसरों का मजाक बनाता है वो एक दिन खुद ही मजाक बन जाता है। और मजाक का आलम यह है कि इनकी चाटुकारिता करने वाले जो लोग हैं वो इनको और ज्यादा मजाक का पात्र बना दिए हैं। मैं पात्रा की बात नहीं कर रहा, मैं पात्र तो मैंने उनको एक दिन कह दिया कि देखो भाई, मोदी जी रिश्ते में जिनके बाप लगते हैं मैं उनके मुंह नहीं लगता है। मैं इसलिए मुंह नहीं लगता, जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसे ही इस आदमी का क्या है, आज जो प्रधानमंत्री है उसका माला जप रहा है, कल को कोई और प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसका माला जपना शुरू कर देगा। जिसके पीछे रीढ़ नहीं हो उसको इतना सीरियसली लेने का जरूरत नहीं है। और अगर आपके पीठ के पीछे रीढ़ है, आप में ये हिम्मत है, यदि आपको सचमुच भारतीय होने पर गर्व है, यदि सचमुच आप इस धरती से प्रेम करते हैं, तब आपको सवाल पूछना पड़ेगा। और सवाल पूछना, विपक्ष से सवाल पूछना कोई सवाल नहीं होता है, ताकतवर और शक्तिशाली लोगों के सामने सवाल खड़ा करना ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है। और ये सवाल जब आप उठाएंगे तो पूरी ताकत से वो आपको डराने की कोशिश करेंगे, तरह तरह का आरोप वो आपके ऊपर लगाएंगे। और कुछ मजेदार आरोप मैं आपको बताता हूं। हमको कहते हैं कि ये देश विरोधी है। पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी देश है तो मुझे देश विरोधी होने में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि देश मतलब प्रधानमंत्री नहीं होता है, देश मतलब देश की आम जनता होती है। और आम जनता के पक्ष में सरकार की विपक्ष में खड़ा होना यह लोकतंत्र की जिम्मेवारी होती है, और यह जिम्मेवारी हमने उठाई है। और यह जिम्मेवारी जब हम उठाए हैं तो हम किशनगंज आए हैं। और यहां एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम किशनगंज चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं, चिंता मत कीजिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को इस बात को लेकर के चिंतित होने की जरूरत नहीं है, हम किशनगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे। किशनगंज हम सिर्फ और सिर्फ यहां के लोगों से संवाद करने के लिए आए हैं। और एक हमारे पत्रकार साथी ने हमको पूछा कि ऐसी क्या जरूरत हो गई कि आपको किशनगंज जाकर के संवाद करना पड़ा। हमने कहा कि पूरे बिहार में सांप्रदायिकता की जहर फैलाने के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी जमीन की इस्तेमाल की जाएगी तो वो जमीन किशनगढ़ की जमीन है। इसीलिए किशनगंज के लोगों को पहले से कमर कस लेना चाहिए। अब अलायंस होगा कि नहीं होगा, किसको कितना सीट मिलेगा, कौन हारेगा कौन जीतेगा, इन चीजों से ऊपर उठ करके किशनगंज के लोगों को कमर कस लेना चाहिए। क्योंकि मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं,
किशनगंज अपने आप में महज कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। अगर आप इसकी भौगोलिक सीमा को देखेंगे तो यह तीन प्रकार की संस्कृतियों का मिलन स्थल है। यह नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है और यहां पे सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला में नए नए डिजाइन के दंगों को गढ़ने की तैयारी चल रही है। इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है इस पूरे के पूरे सीमांचल के इलाके में कि धार्मिक आधार पर समाज का ध्रुवीकरण किया जाए, और उस ध्रुवीकरण को करने के लिए भाजपा के नेता जब भी इन इलाकों में भाषण देने के लिए आते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब की इस जमीन को घुसपैठियों की जमीन बताने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। जब भी यहां आते हैं और यहां की जनता जब उनको नकार देती है तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, फ्रस्ट्रेटेड भाजपा सीमांचल नोचे हो जाता है। ये फ्रस्ट्रेटेड भाजपा के नेता जब यहां की जनता के द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं तो कहते हैं कि यहां यदि भाजपा हारेगी तो पटाखा पाकिस्तान में फूटेगा। ये क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है कि यहां हिंदू और मुसलमान दो पहचान को आपस में अलग कर दिया जाए और किशनगढ़ ही जो उनकी पहचान है। अरे राहत इंदौरी साहब के नाम में राहत इंदौरी लगा हुआ है ना, कोई आजमगढ़ का शायर होता है तो उसके नाम में आजमगढ़ी लगा होता है ना, कैफी आजमी के नाम में आजमी लगा हुआ है ना, उसी तरीके से किशनगढ़ की जो पहचान है उस पहचान को ये किशनगढ़ से बाहर इतना बदनाम कर देना चाहते हैं कि ट्रेन में जाते हुए कोई पूछे कि कहां मकान, तो आप ये ना कहिए कि हम किशनगढ़ से हैं, किशनगंज। वो ये ना कहें कि आप अररिया से हैं। वो इतना बदनाम कर देना चाहते हैं कि किशनगंज के लोग उसी तरीके से सोचने लगे जिस तरीके से एक माफी चाहता हूं आप लोगों से। एक्चुअली मैं 7 साल जेएनयू में रहा और जेएनयू के बगल में एक जगह है किशनगढ़, तो मैं बार बार किशनगंज को किशनगढ़ बोल दे रहा हूं। जुबान की इस फिसलन के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो मैं ये कह रहा था कि पूरे देश के भीतर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जो कभी माहौल आजमगढ़ को लेकर के बनाया गया, और लोग बाहर ये कहने से घबराने लगे कि मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। और ये किसी भी जगह को लेकर के ये माहौल बनाया जा सकता है। जब हम पटना में रहते थे तो बेगूसराय को लेकर के भी ये माहौल था वहां पे, जहां मकान मालिक को कहने कि हमारा घर बेगूसराय है, टू लेट का बोर्ड लगा हुआ है गेट पर, फिर भी मकान मालिक कहता था कि नहीं रूम खाली नहीं है, क्योंकि उसको लगता था कि एक बार रूम में रह जाएगा तो निकलेगा ही नहीं, रेंट भी नहीं देगा। ऐसा किसी अपने ही देश के हिस्से को लेकर के क्यों माहौल बनाया जाता है? अपने ही देश के नागरिकों को लेकर के ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है? क्यों ये बार बार साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस देश के ही नागरिक जो इस देश में रह गए, इस देश के अल्पसंख्यक, इस देश के मुसलमान, इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़े, इस देश के अति पिछड़े, इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, इस देश का आम आवाम सियासत के लिए बस गिनती के वोट बनकर के रह गए हैं। ये मनुष्य होने के अपने अधिकार को छोड़ दें, अपने हक हकूक की बात ना करें, और यदि अपने हक और अधिकार की बात करें तो उनको जातिवादी, धार्मिक, क्षेत्रवादी, नक्सलवादी, पता नहीं कि किन किन आभूषणों से अलंकृत किया जाता है। ये जो माहौल है देश के भीतर, इसके पीछे का कारण क्या है, इस बात को हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए।
जितनी मेरी समझदारी है, जितना हमने पढ़ाई लिखाई की है, उस आधार पर मैं ये समझता हूं कि इस देश की जो विविधता है, जो डायवर्सिटी है, उस डायवर्सिटी को खत्म कर देना चाहते हैं। डायवर्सिटी जिस दिन खत्म हो जाएगी, विविधता जिस दिन खत्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी को ये लोग अपने आप खत्म कर देंगे। और यह जो गंभीर साजिश है, इस गंभीर साजिश के कुछ उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठंडा मतलब क्या होता है? ठंडा मतलब भूखा गोला ना। ठंडा मतलब सतुआ नहीं होता है, लस्सी, तरबूज होता है कि नहीं होता है, ककड़ी, खीरा, फैला दिया है ना। और हम शौक से उसको खरीद भी लिए हैं, अपने मोबाइल में भी ले लिए हैं, अपनी टीवी पर भी ले लिए हैं, घर के पोस्टर बैनर पे भी हैं। और जिस खिलाड़ी को हम पसंद करते हैं, वो खिलाड़ी भी अपनी टी शर्ट पे लगा के घूम रहा है। अरे भाई, विराट कोहली का छक्का हमको पसंद है, उसके कहने पे जो है हम बैटरी खरीद लें, उसके कहने पे मोबाइल खरीद लें, कभी सोचे हैं? ये जो एक बाजार की साजिश है कि आपके सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर दे। जैसे भाई साहब, कागज के इस टुकड़े का जीरोक्स कर दीजिए। जीरोक्स कुछ होता ही नहीं है, जीरोक्स एक कंपनी है जिसने फोटो स्टेट मशीन बनाई थी। वो जो प्रक्रिया है जिसको आप जीरोक्स कहते हैं, वो फोटो स्टेट है। दुकान पे लोग जाते हैं और कहते हैं सर्फ दे दीजिए। सर्फ तो एक कंपनी है, लेना आपको डिटर्जेंट है। यही बात दवा के साथ लागू होती है कि बुखार का दवा दे दीजिए, क्रोसिन। क्रोसिन कंपनी है, बुखार की दवा का नाम पैरासिटामोल है। ये जो बाजार है, इस बाजार की जो ताकत थी, उस बाजार की ताकत ने कहा कि अब लोकतंत्र को भी हम अपना जेब बना करके रखेंगे, अपनी जेब में डाल लेंगे। इसीलिए राजनीति में भी ब्रांडिंग की पॉलिसी अपनाई गई, ब्रांडिंग। मोदी अपने आप में कोई व्यक्ति नहीं है, मोदी बाजार के द्वारा खड़ा किया गया एक ब्रांड है। और कल के आप मोदी जी के भाषण को सुनिए, वो क्या कहते हैं कि वो इकट्ठा हो रहे हैं मोदी के खिलाफ। हम कहते हैं कि आओ, गरीबी के खिलाफ एकजुट होते हैं। अरे लुटेरा, चोर, चोर, बेईमान, बेईमानी करके जो है ठग करके, लोगों के सामने लंबा लंबा फेंक करके, झूठ बोल करके, बगला की तरह गर्दन मिला रहे हो। सच बात क्या है? आइए हमारे साथ, तो कौन तुम्हारे साथ नहीं था? देश की जनता ने आपको देश का वजीर आजम बना दिया, आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब भी आप प्रचार में ही लगे हुए हैं। ये तो हिसाब दीजिए कि 5 साल में आपने गरीबी के लिए क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि महंगाई कम करने के लिए आपने क्या किया। ये तो हिसाब दीजिए कि काला धन को वापस लाने के लिए आपने क्या किया। भ्रष्टाचारी जब तक भाजपा से बाहर है, भ्रष्ट है। अजी हुई भाजपा में आता है, गंगा जल पीते ही पवित्र हो जाता है। ये कैसे संभव है? कल के मंच पे हमारे कर्मठ मुख्यमंत्री नीतीश बाबू, मन किया कि कैसे बोलता है आदमी, कहां से लाता है इतनी बेशर्मी। मैंने बेशर्म भी देख करके शर्मा जाए उसको, क्या मोदी जी आ रहे चलते हैं। उसी नीतीश कुमार को यही प्रधानमंत्री रहते हुए जब अलायंस टूट गया था, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2015 की बात है, ये 2019 है,
हमारा याददाश्त इतना कमजोर हो गया है क्या? 20 रुपए वाला टॉप अप है कि 16 रुपया का ही बैलेंस मिला है? 4 साल पुरानी बात याद नहीं रख सकते हैं? वही नीतीश कुमार जब RJD के साथ गठबंधन कर लिए तो वो सुशासन से कुशासन हो गए, और जो ही वो गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ आए तो फिर से सुशासन हो गए। अरे बाप रे, ये तो चंद्रकांता सीरियल का IR है, यही है ना? उसी नीतीश कुमार को वही प्रधानमंत्री बोले कि इसका DNA खराब है। अभी उसी मंच पे, इसी गांधी मैदान में, उसी पटना में, इसी बिहार में खड़ा होकर के कह रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री, बहुत अच्छा मुख्यमंत्री। तो जनता को वो लोग क्या समझ रहे हैं? जनता को वो लोग भेड़ बकरी समझ रहे हैं, और सबसे ज्यादा वो लोग मुसलमान का तो छोड़ दीजिए, नाम मत लीजिए। देश में माहौल ही ऐसा है कि मुसलमान का नाम मत लीजिए। मुसलमान इनके लिए इंसान नहीं है, बस नंबर है। कितना परसेंट मुस्लिम वोट है चलो सेट कर लेते हैं, सेकुलर सेकुलर खेलते हैं, नहीं मुसलमान वोट सेट हो जाएगा। सबसे ज्यादा मूर्ख तो हिंदुओं को बना रहे हैं। टाइम टाइम पे क्या करते हैं, फेंकते हैं कि अच्छा विकास से मन भर गया तो लो राम मंदिर का फुटबॉल थोड़ा इससे खेलो। अच्छा राम मंदिर से हो गया, मन उब गया तो लो अब जो है भारत पाकिस्तान देते हैं। क्या चल रहा है देश में? और ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि कंट्रोल कहां से होता है, वहीं से आप फेयर एंड लवली लगाने से दूध जैसी गोराई प्राप्त नहीं होगी, अब HD ग्लो होगा। HD ग्लो जैसे वीडियो में आपको HD वीडियो आया, तो अब फेयर एंड लवली भी HD ग्लो वाला फेयर एंड लवली लेकर के आया है। मार धना धन रगड़िए उसको सुबह शाम, धना धन जब रगड़ने का आदत हो जाएगा तब एक नया बाबा आएगा, पहले सिखाएगा योग और उसके बाद कहेगा कि खती खरीदो फेस वॉश। वही बाबा बोला कि ये विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर विदेशी संस्कृति थोप रही है, इसीलिए हम देसी माल तैयार करेंगे। और उसके घी के डब्बे पे लिखा रहता है शुद्ध देसी घी। तो विदेशी घी भी होता है क्या? आप में से कुछ लोग बाहर गए हैं कि नहीं? तो जो गया हो उसको पकड़ करके पूछ लीजिएगा, कैसा दोस्त बताओ दुबई में घी मिलता है क्या? बटर होता है वहां पे, वो लोगों को घी निकालने ही नहीं आता है। और आप अंग्रेजी के डिक्शनरी को जाकर के देख लीजिए, घी GHEE घी, हिंदी घी, घी का अंग्रेजी कुछ होता है क्या? तो डिब्बा पे अलग से शुद्ध देसी घी लिखने का क्या मतलब है? क्योंकि आपके दिमाग में घुस गया है, दिमाग में लाला रामदेव घुसा दिया है कि विदेशी सामान नहीं लेंगे, देसी सामान लेंगे। अब बाबा खुद विदेशी है, बाबा खुद विदेशी है, देसी माल बेच करके विदेश का भ्रमण करता है। प्रधानमंत्री उसी का चेला है, कपाल भाती दोनों साथ में बैठ के करता था, छोड़िए पकड़िए। योग एक विद्या है, योग एक पद्धति है कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे। इसको योग से कोई लेना देना नहीं है, इसको ब्रांडिंग से लेना देना है, इसको माल बेचना है। और जिसको माल बेचने की आदत हो जाएगी वो जनता को ग्राहक समझता है, नागरिक नहीं समझता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो लोकतंत्र भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की गई थी, उस लोकतंत्र को इन्होंने खरीदारी सुनिश्चित करने के लिए बना दिया है। और कैसे होती है खरीदारी? अभी टिकट का खरीदारी चल रहा है सब पार्टी में, हम आम में सभी लगे हैं, इस बात को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। अभी टिकट का खरीदारी चलेगा, और टिकट का खरीदारी जब समाप्त हो जाएगा तब वोटर का खरीदारी चलेगा। तो क्यों देते हैं प्रधानमंत्री को गाली? प्रधानमंत्री का दोष थोड़ी है, हमारा दोष है ना।
हम मूर्ख बनने के लिए यदि तैयार हैं तो कोई हमको मूर्ख क्यों ना बनाए। जब हम वोट करेंगे धर्म के आधार पे तो हमको हर रात टीवी में मंदिर मस्जिद का ही बहस सुनाई देगा ना जी। जब हम वोट करेंगे जात के आधार पे तो हमको नेता जातिवादी ही मिलेगा ना। जिस दिन हम वोट करना शुरू कर देंगे शिक्षा और रोजगार के लिए, उस दिन नेता को भी शिक्षा और रोजगार का बात करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस गंभीर समय में मैं अपने लोगों से कुछ बातचीत करना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र संवाद पर टिका होता है। और जब हम संवाद करेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जहां आप हमसे सहमत नहीं होंगे और हम आपसे सहमत नहीं होंगे। आप हमारे असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे और हम आपके असहमत होने के अधिकार के साथ खड़े होंगे। यह जो सहमति है, इसी सहमति से देश बनता है, इसी सहमति से शासन प्रशासन और लोकतंत्र आगे बढ़ता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इस लोकतंत्र शासन और प्रशासन को यदि हम जिंदा रखना चाहते हैं, ज्वलंत रखना चाहते हैं, तो हमको अपना आंख कान नाक खुला रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि दंगाइयों से लड़ते लड़ते हम खुद ही नफरत की आग में जलने लगे। ऐसा ना हो कि झूठेंदर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते हम खुद ही झूठ बोलना शुरू कर दें। ऐसा ना हो कि जुमलेबाजों से लड़ते लड़ते हम खुद ही फेंकना शुरू कर दें। इसीलिए आंख नाक जब हम खुला रखेंगे, तर्क की कसौटियों पे जब चीजों को परख करके देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको नजर आएगी। देश में दुख का माहौल है। पुलवामा में जिस तरीके से लोगों की शहादत हुई है, हर इंसान इस देश का दुखी है, क्योंकि वो यह जोड़ कर देखता है, जब वो अपने बच्चे के सर पे हाथ रखता है तो उसके मन में ये ख्याल आता है कि जो लोग शहीद हुए हैं वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी का भाई है। लेकिन इसी गमगीन माहौल में जब आप गम में थे, कुछ लोग राष्ट्रवाद की ब्रांडिंग कर रहे थे। अब राष्ट्रवाद को भी एक ब्रांड बना दिया है, जैसे कजारिया टाइल्स देश की मिट्टी से बना है, बाकी सब क्या इंग्लैंड की मिट्टी से बना है, कि वो भी तो देश की ही मिट्टी से बन रहा है। कैसे राष्ट्रवाद को आज हमारे सामने बेचा जा रहा है, किस तरीके से हमारी देशभक्ति की जो भावना है उस देश की भक्ति की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और वो जो है रिंकिया का पापा वो आजकल जो है आर्मी का सूट पहन करके वोट मांगने के लिए जा रहा है। पीके सिनेमा देखे हैं तो आमिर खान जो है भगवान का फोटो चिपका लेता है कि कोई झापड़ नहीं मारे, तो आर्मी का ड्रेस पहन लिया है। नहीं, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी को मारना चाहिए, मारपीट करने में हम भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन साजिश क्या है आप इस बात को समझिए। आते हैं हमारे गप्पू जी और हर भाषण को भारत माता की जय से शुरू करते हैं और भारत माता की जय से खत्म करते हैं। कौन है भारत की माता? डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक सीरियल है, यूट्यूब पे है, आप सबके पास मोबाइल है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नेहरू की लिखी हुई किताब है उस पे आधारित जो सीरियल बना है उसके वीडियो को देखिएगा। उसमें नेहरू एक सभा में पूछ रहे हैं कि कौन है भारत की माता। हम लोग, भारत के लोग ही भारत की माता है। यह जो भारत माता का कॉन्सेप्ट है, ये कैलेंडर में दिखने वाली भारत माता भारत की माता नहीं है। भारत की माता भारत के लोग हैं, और जो भारत के लोग हैं, भारत के जो किसान हैं, अगर वो आत्महत्या कर रहे हैं तो भारत की माता तकलीफ में है। और जिसको भारत का बागडोर सौंपा गया है वो उन किसानों के लिए भी कुछ नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करता है। मतलब वो भारत माता का अपमान कर रहा है, हम भारत माता का अपमान नहीं कर रहे हैं। जो नौजवानों को कहता है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2 करोड़ नौकरी उनको नहीं देता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है, हम अपमान नहीं कर रहे हैं। जो कहता है कि आपके खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा और वो आपके खाते में 15 लाख रुपया नहीं पहुंचाता है, वो भारत माता का अपमान कर रहा है। भारत माता का अपमान करें आप
और देशभक्त होने का सर्टिफिकेट मांगे मुसलमान से, ये कहां का न्याय है। पुलवामा पे जब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, जब देश सचमुच गमगीन था और गम में डूबा हुआ था, उसी बीच इन्होंने क्या किया, इस देश के 5 एयरपोर्ट को इन्होंने बेच दिया। पता चला किसी को, खबर आई किसी को, 5 एयरपोर्ट ये बेच दिया। जब भी देश इस तरीके के गम में होता है, जब भी देश इस तरीके के दुख में होता है, तब ये हमारा चोर चौकीदार समझौता कर रहा होता है और देश की संपत्ति को अपने दोस्तों को बेच रहा होता है, और खड़ा होकर के झूठ बोलता है देश से। और इस झूठ के आलम में, इस झूठ के माहौल में लोगों को भटकाने के लिए कैसे कैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। कहता है कि भारत को उन लोगों से ज्यादा खतरा नहीं है जो देश के बाहर के दुश्मन हैं, उन लोगों से ज्यादा खतरा है जो देश के भीतर हैं। तो तुम क्या कर रहे हो, तुमको वहां अलवा छीनने के लिए लोग बिठाया है, ये हमको बताओ। एक मिनट के लिए मान लीजिए इनके ही हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से भी नहीं, भाजपा के हिसाब से ही मान लेते हैं कि जेएनयू और एएमयू में, क्योंकि अब सिर्फ जेएनयू की बात नहीं है, दिल्ली से चल करके मामला अलीगढ़ तक पहुंच गया है और कल को जो है किशनगंज भी आ सकता है, तब शायद आपको पता चले कि सचमुच यदि जेएनयू और एएमयू में कुछ हुआ है तो सरकार क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, आईबी क्या कर रहा है, यह सवाल हम क्यों नहीं पूछते हैं। जैसे मोहम्मद ने आतंकवादी घटना की, हमारे देश के जवान शहीद हुए, आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कौन करेगा। फेसबुक पोस्ट से खत्म होगा, ट्विटर पे एक दूसरे को गाली देने से खत्म हो जाएगा, कि उसकी जिम्मेवारी किसी को लेनी पड़ेगी। रक्षा मंत्री का एक भी बयान आप में से किसी ने भी सुना है, तो रक्षा मंत्री देश की रक्षा के लिए बने हैं कि प्रधानमंत्री का झूठ की रक्षा के लिए बने हैं, ऐसा माहौल है। आपने गृह मंत्री का कोई बयान सुना है, जानते हैं गृह मंत्री कौन है, सबसे ज्यादा वो क्या करते हैं, कड़ी निंदा, तो वो गृह मंत्री नहीं है, वो कड़ी निंदा मंत्री है, एक अलग से विभाग खुला है। गृह मंत्री का आपने कोई बयान सुना है, धन्यवाद मोदी जी, आप नहीं होते तो हम बदला नहीं ले पाते, ऐसा लग रहा है कि अभिनंदन पायलट नहीं थे, वो नहीं उड़ा रहे थे मिराज को, मोदी हेलमेट पहन करके गया था वो। देश चल नहीं रहा है, एक भाषण अपने मन से दे नहीं सकता है, लिखा हुआ पढ़ता है उसमें भी गलती करता है और झूठ बोलता है, उसको श्रेय दिया जा रहा है कि उसने बदला ले लिया। आप भूल रहे हैं मेरे देशवासियों, ये बदला नहीं ले सकता है, ये बिरयानी जाकर के खा सकता है, ये कभी बदला नहीं लेगा, क्योंकि इसको बदला लेना ही नहीं है। बदला ये कैसे लेगा, बदला लेने के लिए जो ही जाएगा तो ही इसका दोस्त जो है अडानी इसको पीछे से चुट्टी काटेगा ऐसे करके, कहाँ जा रहा है, ज्यादा करोगे चंदा नहीं देंगे, फिर चुनाव कैसे लड़ोगे, हेलीकॉप्टर पे कैसे चढ़ोगे, है हिम्मत। इस देश के आम लोगों से कहता है कि आप देशभक्त हैं कि नहीं है, सबूत पेश कीजिए। हम कहते हैं सरकार से कि है हिम्मत तो अदानी का जो प्रोजेक्ट पाकिस्तान के साथ चल रहा है उसको जरा बंद करके हमको दिखा दो, दलाल का बेटा का जो बिजनेस चल रहा है पाकिस्तान के साथ जरा उसको बंद करके हमको दिखा दो। कल के भाषण में बोल रहे थे प्रधानमंत्री कि अरब के प्रिंस आए थे और प्रिंस से हमने तुरंत बात कर ली है, अब भारत के लोग जो है वो ज्यादा संख्या में हज करने के लिए जाएंगे, बचेंगे तब ना। यहाँ तो लोग टिफिन बॉक्स लेकर के चलने के लिए तैयार नहीं है। डर का आलम आप खुद महसूस करके बताइए ना देश में क्या है। मटन का गोश्त भी लोग किशनगंज से दिल्ली ले जाने को तैयार नहीं है। सही बात है, सही बात है, ये सच है, ये डर का
मोदी के प्रिंस से अपने वार्तालाप के बारे में ये बता रहे थे, बोले कि तुरंत बात कर दिए, सब ठीक हो गया। हमको कहते हैं, देश को समझाते हैं कि सिद्धू इमरान खान से मिल करके आ गया तो सिद्धू देशद्रोही है। तो सऊदी अरब का प्रिंस भी तो मिल करके आया था, तुम उससे काहे मिले? तुम कहते कि हम इमरान खान से मिल करके आया हुआ है ये प्रिंस, इससे हम नहीं मिलेंगे। बात पते की धंधा का मामला है ना दोस्त, बिजनेस का मामला है। एकदम गलती से भी ये भूल मत कीजिए, इसको प्रधानमंत्री समझने की भूल मत कीजिए। ये आदमी प्रधान प्रबंधक है और ये प्रधान प्रबंधक है, सीईओ है अंबानी और अदानी की कंपनी को। और यह जो देशभक्ति का नाटक कर रहा है, इस देश के लोगों को बेवकूफ बना करके, इस देश के लोगों के मन में एक खास तरीके का ब्रांडिंग करके फिर से चुनाव जीतना चाहता है और अपने चोर दोस्तों को मदद पहुंचाना चाहता है। कहता क्या है कल कि चौकीदार चौकन्ना है, किस बात के लिए कि हम ही चुराएंगे, सब दलाली हम ही खाएंगे और अपने ही दोस्त को बिजनेस दिलाएंगे। और इस बात को पलट कैसे देता है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए और ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं मोदी का टांग खींचने के लिए। इतना बड़ा नहीं हो यार, नहीं कहते हैं अपने मियां मुंह मियां मिट्ठू बन करके घूम रहे हैं। आप लोग इस प्रधानमंत्री को इतना सीरियसली लेते हैं क्या? ये खुद ही अपने आप को इतना सीरियसली लेकर के घूम रहा है। हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री से नहीं देश से प्यार करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं। हम लोग इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हैं, इसलिए सवाल पूछते हैं। हमको इस देश के 130 करोड़ लोगों की परवाह है, इसीलिए अपनी जान की परवाह किए बिना भाजपा और आरएसएस से सवाल पूछते हैं। यह बात मैं आपको कहने आया हूं, मैं आपको बताने आया हूं कि आज अगर हम लोग सचेत नहीं हुए तो आने वाला दौर बहुत कठिन गुजरने वाला है और वो कठिन दौर हमारी आने वाली पीढ़ियों का को ना झेलना पड़े, इसीलिए हमको एकजुट और इकट्ठा होना पड़ेगा। आने वाले वक्त में मैं तमाम राजनीतिक दलों से भी यह अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अपना बेटा बेटी को राजनीतिक रूप से सेट करने का प्लान जो है आपको, उसको छोड़ दीजिए, बाद में कर दीजिएगा सेट, हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री भी प्रचार करें, चुनाव लड़ें, उसे हमको दिक्कत नहीं है। जनता फिर उनको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना दे, इससे भी हमको दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से विपक्ष का भी कोई नेता राजनीतिक रूप से सेट हो जाए, बाप का विरासत उसको ट्रांसफर हो जाए, वो फिर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन जाए, उससे भी हमको दिक्कत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ इस बात से दिक्कत है कि एक मुसलमान का लिखा हुआ गीत, एक मुसलमान का दिया हुआ संगीत, वो हिंदुओं के मंदिरों में बजता है। ये हिंदुस्तान है। मन तरपत हरि दर्शन को आज, इस गीत को लिखा एक मुसलमान ने, गाया एक मुसलमान ने, संगीत दिया एक मुसलमान ने और ये बजता हिंदुओं के मंदिरों में है। ये हिंदुस्तान की खासियत है, ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जब अकबर को पूछा गया सिया है कि सुन्नी, अकबर बोला हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हम अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं, लेकिन अपने धार्मिक पहचान को अपने सामाजिक पहचान के आरे नहीं आने देते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि कौन शब्द कौन सी भाषा का है ये लोगों को मालूम नहीं है। रामचरितमानस में 12 से ज्यादा शब्द जो हैं वो फारसी के हैं। अमीर खुसरो का आप उनकी गजल को सुनिए, वो फारसी से शुरू होता है और खड़ी बोली में जाकर के कब समा जाता है वो पता ही नहीं चलता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि जलेबी हिंदुस्तानी है कि बाहरी है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि हिंदुस्तान को धर्म की आग में जलाने वाला अमित शाह के नाम में भी शाह लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान की खासियत है
कि इसके इतिहास को कोई चाह करके भी नहीं मिटा सकता है। और हार तो एक दिन सिकंदर भी गया था ना, मोदी जी हार जाएंगे आप भी एक दिन, लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात की है कि अगर ये वक्त लंबा खिंच गया तो हमारा नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हम गला फार फार करके चिल्ला रहे हैं और अपने देश के लोगों को बता रहे हैं कि देश देश के लोगों से बनता है और देश के लोगों का सवाल सबसे अहम सवाल होता है। राजनीति को पीछे रखिए, झंडा को पीछे रखिए, बैनर को पीछे रखिए और इस देश में देश हित को लेकर के देश के तमाम लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, इस सवाल पर इकट्ठा होना चाहिए कि यह देश हम सबका है। और जब देश सबका है तो हम सब की बात करने वाला जो एजेंडा है वही हमारा एजेंडा होना चाहिए। हमारा एजेंडा होना चाहिए कि सबको शिक्षा कैसे मिले, सबको काम कैसे मिले, सबको शिक्षा सबको काम, मजदूर को मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, महिला हो या पुरुष, हिंदू हो या मुसलमान, सबको मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस एजेंडे पे हमको एकजुट होना चाहिए। उसी एकजुटता के लिए बेगूसराय से चल करके किशनगंज हम आए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप इस एकता को निश्चित करेंगे और एकजुट होकर के इस देश के भीतर नफरत की सियासत करने वाले, उन्माद की आग में इस देश को जलाने वाली ताकतों को आप परास्त करेंगे। राम प्रसाद बिस्मिल और अश्फाकुल्ला खान के रास्ते पे चल करके एक बेहतर मुल्क का निर्माण करेंगे। इसी अपील के साथ आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।